हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू होम हियर इन नोएडा सो दिल से नमस्ते इंडिया वेलकम बैक टू तो माय चैनल वर्सेटाइल एलमित आज की वीडियो में मैं बस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमने फैक्स एंड मूवर्स बुक किया था बैंगलोर में डेफ़िनेटली बुक करते वक्त हर एक को डर लगता है कि मेरा सामान ना कहीं डैमेज कर दे कुछ नुकसान ना हो जाए कोई भारी नुकसान ना हो जाए छोटा मोटा तो चलता है कि हाँ कब बाउल अगर एक दो टूट भी गए तो चलेगा अभी तक हमने कुछ कुछ चीज़ अनपैकिंग की है जो पीछे आप परात देख रहे हैं जिसका कि मैंने एक वीडियो बनाया था ये मेरी शादी वाला परात है जो नानी से मम्मी को मिला फिर मम्मी से मुझे मिला इसका भी एक मोती तक डैमेज नहीं हुआ है बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ पास जाके दिखाने का एंड अभी मैं अनपैकिंग कर रही हूँ जो एक फ्लावर वास मैंने बनाया था अमेजोन और वगैरह वगैरह के कार्टन जो आते हैं उनके साथ में मैंने एक जो फ्लावर वास बनाया था जिसका की भी वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे एंड इस घर का घर का पूरा सेटअप होने के बाद अभी टाटा स्काई वाले भैया आए हैं इसीलिए पूरा इधर मचा हुआ है टाटा स्काई बिंज और फायर टी वी स्टिक पता नहीं क्या आएगी क्या लग रहा है अमेजोन का अभी मैं अनपैकिंग कर रही थी ये जो कि मेरा फ्लावर वास है काटन का एंड मैंने इसको ओपन नहीं किया कि मैं आप लोगों के साथ ही ओपन करूंगी बिल्कुल जेनविन वाली अनपैकिंग है ये एक हाथ से मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि स्टिक मैंने कहीं रख दिया है ये देखिए किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं हुआ है बिल्कुल भी सो आई रियली अमीर पैकर्स एंड मूवर्स एंड उनके एक एम्प्लॉय जो हैं रितेश उनका नाम है तो इसमें मैंने कुछ बॉल्स वगैरह डाली थी थर्मोकोल ये सब डाल करके इसको हैवी बनाने के लिए वो सारी भी इंटैक्ट है एंड इसका शेप भी बिल्कुल ही प्रॉपर है जैसा मैंने बनाया था वैसे ही है हैंडमेड वास तो ये जो एक हैंडमेड वास है और इसके अंदर ये तो मैंने होम सेंटर से लिया था हाँ होम सेंटर से लिया हुआ है ये तो मैंने इसके अंदर कुछ डाल करके बॉल्स वगैरह डाल करके इसको सेट किया था ये मैं सेट तो कर दूँगी मगर मैं बस शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ कि कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है अच्छे से पैकिंग करके लाए हैं ये लोग आई थिंक ये वाला एक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है हालांकि मगर फिर भी दिस इज़ ऑल्सो फाइन नाउ तो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर पैकिंग है डेलिकेट आइटम्स का अगर मैं दिखाऊं, ये तो फूल था ये मुझे पता था कि ये चपटा होने वाला है इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर दूँगी तो आई थिंक दिस आल्सो वुड बी फाइन पर इतना तो इतने अच्छे से पैकिंग करके मुझे ये होम सेंटर वालों ने भी नहीं दी थी इस चीज़ की बस पॉलीथीन में रैप करके दे देते हैं और ये बैंगलोर से नोएडा आया है फिर भी ये काफ़ी बेटर हालत में है एज़ कम्पेयर टू जब मैंने इसे नया खरीदा था उस समय बस एक दो पेटल्स इसके थोड़े से इधर उधर हो गए हैं मगर दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन तो ये मेरा एक ऑनेस्ट फीडबैक था ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट अमीर पैकर्स एंड मूवर्स काफ़ी डर लग रहा था कि हम अग्रवाल बुक कर लें क्या क्योंकि अगर अग्रवाल नहीं किया तो सामान डैमेज हो सकता है वग़ैरह वगैरह काफ़ी डर लग रहा था मगर अभी आप पीछे देख सकते हैं ये जो कार्ड वगैरह है ये भी उन लोगों के साथ ही आया है पैकर्स मूवर्स के साथ ही ये सारा का सारा सामान आया है अभी हमें थोड़ा सा अरेंज करना बाकी है इसको एंड सॉरी अगर मेरे हाथ काँप रहे होंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बॉडी पेन है एंड सामान सेट करते करते कमर की हालत बुरी हो चुकी है एंड ये तो हम अपने साथ लेकर आए थे जो ये जो प्लांट लेकर आए थे ये वही प्लांट है इट इज़ डूइंग क्वाइट गुड तो अगर आपने मेरा प्लान पैकिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अभी ये थोड़ा सा मेसी है ये वाला शेल्फ हम इसको सेट करना अभी बाकी है सारा मास्क वगैरह अभी डंप है मगर ये भी लालटेन भी जो है ये मिट्टी का है ये सारा एक ए, एक 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 कांच की बोतल वगैरह अभी इधर रखी हुई है ये सब मुझे किचन में शिफ्ट करना है एंड मैंने कुछ में मनी प्लांट डाल के रखा था तो वो सब करना बाकी है एंड अभी थोड़ी देर में मैं बैठ कर के ये करने वाली हूँ द स्ट्रेस बस्टर बड़ा मज़ा आता है ये करने में तो अभी मैं इसको पूरा इन्जॉय करती हूँ सारे बबल रैप को फोड़ फोड़ के मज़ा लेती हूँ स्ट्रेस बस्ट करती हूँ एंड आई विल कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम बाय बाय आई लव यू ऑल